हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों अभी हम हैं धर्मपथ में। ये अगर आप देखो, ये है धर्मपथ और यहाँ से चलकर हम बस स्टैंड तक जाएंगे। साथ में किस तरह से ये पूरा धर्मपथ बना हुआ है आप लोगों को बस के माध्यम से दिखाने वाले हैं। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यहाँ से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर जो है बस स्टैंड बना हुआ है, 8 से 10 किलोमीटर की दूरी है करीब, और वहाँ पे हम जाएंगे और वहाँ से वापस भी आएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा कैसा क्या पूरा ये रास्ता धर्मपथ का बना हुआ है आज की वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और मिलते हैं आपको बस आ जाने के बाद। लोग जो है उस तरफ चल रहे हैं और कुछ इस तरह की जो बसें हैं वो इलेक्ट्रिक बसें यहाँ पर चलने में लगी हुई हैं और इन्हीं बसों से जो है हम लोग चलेंगे। तो उस तरफ रोड क्रॉस कर रहे हैं और क्रॉस चल के जो है ये बस आ गई, इसी में जो है चल के दौड़ के बैठते हैं और फिर आप लोगों को पीछे से हम नज़ारा बस का दिखाएंगे, बस से मतलब नज़ारा दिखाएंगे कि कैसा नज़ारा दिखता है। फिलहाल अभी हम बस के पिछली वाली सीट पे बैठ गए हैं और यहाँ से आप लोगों को जो है पूरा नज़ारा देखने को मिलेगा, क्योंकि आगे वाली सीट पे थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि आगे से जो है हम लोग व्यू भी नहीं ले सकते और साथ में लोग चढ़ते उतरते हैं तो दिक्कत हो जाती है। तो मैंने सोचा चलो पीछे वाले सीट से जो है आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ। तो बैक साइड से भी काफ़ी अच्छा व्यू जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। और अभी मैं जो है धर्मपथ से निकल चुका हूँ, जहाँ पर सूर्य स्तंभ बहुत सारे बने हुए हैं, जो कि चौक है यहाँ पर भीड़ा वाली, जिसे जो है लता मंगेशकर चौक बोलते हैं। तो वहाँ से मैं निकल चुका हूँ और यहाँ पर रोड के किनारे जो है बहुत सारी प्रतिमाएं बनी हुई हैं, बहुत सारे जो है चित्र बने हुए हैं जो कि पत्थरों पर उकेरे गए हैं, वो भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर जो है राम कथा संग्रहालय भी बना हुआ है, जहाँ पर अगर आप देख सकते हो ये भीड़ लगी हुई थी। अभी एक एंट्री गेट और है जो कि अभी निकलेगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। तो कुछ इस तरह से अगर आप देखो तो ये है रामकथा संग्रहालय का बोर्ड लगा हुआ है। यहाँ पर भी एक एंट्री गेट बना हुआ है जहाँ से अगर आप रामकथा संग्रहालय की तरफ आना चाहते हो तो आ सकते हो। यहाँ पे जो है देवकी नंदन की जो है वो कथा चल रही है, अगर आप लोग आकर देखना चाहते हो तो आ सकते हो। इसके बाद जो है अभी हम चल रहे हैं यहाँ से बस स्टैंड की तरफ। तो बस स्टैंड की तरफ जाते वक्त कैसा ये रोड बना हुआ है, रास्ते में हमको क्या क्या देखने को मिलता है, वो मैं आप लोगों को बताते हुए चल रहा हूँ और दिखाते हुए चल रहा हूँ। तो कुछ इस तरह से जो धर्मपथ का ये रोड है वो बना हुआ है और सामने अगर आप देखो तो ये कुछ इस तरह से पूरा व्यू देखने को मिल रहा है। पूरे रोड में बहुत सारे बैनर लगे हुए हैं और बहुत सारे जो है पेड़ पौधे अभी जो है बड़े बड़े हो गए हैं, क्योंकि रोड बने काफ़ी दिन हो गए हैं। और यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल देखने को मिला है। फिलहाल बस जो है वो रुक रुक के चल रही है और ये है बैकुंठ धाम, सामने आप बोर्ड देख सकते हो लगा हुआ है। और इस बस पे बहुत सारी जो है इलेक्ट्रिक बसें अभी लखनऊ से आ गई हैं, तो इलेक्ट्रिक बसों के द्वारा ही जो है आवागमन हो रहा है। जैसा कि आप देख ही रहे हो कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक बसें वो ज़्यादा देखने के लिए मिल रही होंगी। इसके अलावा जो रिक्शा वगैरह है, ऑटो रिक्शा वगैरह है, वो कम देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि परमिशन अभी नहीं दी गई है ज़्यादा लोगों को। तो यहाँ पे है, ये देख सकते हो कि एंट्री गेट हर जगह पे लगा रखा है। यहाँ पे देखो बंद कर रखा गया है, पूछताछ कर रहे हैं कि कहाँ पे जाना है और क्यों जाना है, ये सारा कुछ जो है यहाँ पर हो रहा है। और यहाँ पर अभी हम आ चुके हैं, ये देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत सारे जो है सूर्य स्तंभ भी बनाए गए हैं रास्ते में। अभी आगे और जो है सूर्य स्तंभ वाला जो एंट्री गेट है जो कि बाईपास के पास में है, वो भी मैं आप लोगों को चल के दिखाऊँगा। फिलहाल अभी हम जो है काफ़ी दूर आ गए हैं, करीब 1.5 किलोमीटर आ चुके हैं लता मंगेशकर चौक से। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से पूरा माहौल जो है वो देखने को मिला है और पूरे रास्ते को भगवा रंग में जो है सजा दिया गया है। यहाँ पर अगर आप देखो ये कुछ इस तरह से जो है कितना सुंदर यहाँ पे रास्ता बनाया गया है और बहुत सारा जो है यहाँ पे शायद मेट्रो वेट्रो का जो भी अपना जो है वो करें, लेकिन यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है सुंदरीकरण कर रखा गया है रोड के चारों तरफ। और ये अगर आप देखो कुछ इस तरह से पूरा रोड जो है यहाँ पर बना हुआ है और शायद ऊपर से कोई रोड बाईपास जो है वो निकलेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ नहीं बना हुआ था। और ये कुछ इस तरह से अगर आप देखो तो पूरा रोड दिख रहा है। इसी रोड पे जो है मूर्तियां भी लगी हुई हैं, अगर मुझे दिखेंगी तो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा और बताने की भी कोशिश करूंगा। तो ये कुछ इस तरह से देख सकते हो कि पूरा रोड बना हुआ है और आगे बहुत सारे जो है हर जगह पर मतलब थोड़ी थोड़ी जगह पर जो है सूर्य स्तंभ भी बने हुए हैं। जैसे कि अगर आप देखो तो यहाँ पर जो है काफ़ी सारे सूर्य स्तंभ बने हुए हैं और अभी हम बाईपास के पास में जो है वो आने वाले हैं। बाईपास के पास में भी बहुत सारे जो है सूर्य स्तंभ बने हुए हैं और यहाँ पे ही मेन एंट्री गेट है जो आप लोग वीडियो में देखते होंगे। तो ये देखो अभी आ चुके हैं हम वहाँ पे, और अगर थोड़ा और आगे बढ़ता है तो फिर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आप लोग जो है एंट्री यहाँ से अभी बंद कर रखी गई है, अभी तो मतलब ऐसा है कि नॉर्मल आ जा पा रहे हो गाड़ी लेकर या फिर सारा कुछ लेकर, लेकिन जो है आप आने वाले 1-2 दिन में यानी कि 21 और 22 तारीख को आप नहीं आ पाओगे। आज जो है 20 तारीख है और 20 तारीख
को जो है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और शायद आपको ये 21 को देखने को मिलेगी, लेकिन अभी की जो है अपडेट ये है कि आज जो है इसको बंद कर दिया गया। जब मैं वापस आऊँगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा, तब तक शायद जो है बंद हो जाएगा क्योंकि आज ही लास्ट दिन है, आज ही दर्शन हो पाएंगे, आज के बाद दर्शन भी नहीं हो पाएंगे और आज ही इसको जो है वो बंद कर दिया जाएगा। यहाँ से अभी गाड़ियाँ जो है वो आवागमन बंद हो जाएगा बिल्कुल तरह से। जो इलेक्ट्रिक बसें हैं सिर्फ वही जा पाएंगी, ये जो मोटरसाइकिल वगैरह वाले भी हैं इनको भी आगे नहीं जाने दिया जाएगा। दोस्तों अभी वापस से हम घूमकर फिर से धर्मपथ पर चलेंगे और वापस से आप लोगों को दिखाएंगे कि दूसरी साइड से किस तरह से ये पूरा धर्मपथ बना हुआ है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों अभी हम वापस जा रहे हैं और कुछ इस तरह से ये धर्मपथ आप देख सकते हो, ये जो है बाईपास के पास में जो है कुछ इस तरह से नज़ारा जो है देखने को मिल रहा है। बहुत सारे आप लोगों ने शॉर्ट वीडियो में जो है ये सीन देखा होगा। तो यहाँ पर भी बहुत सारी प्रतिमाएँ बनी हुई हैं, पत्थर में भी उकेरी गई हैं बहुत सारी प्रतिमाएँ, जो रोड के किनारे पत्थर बने हुए हैं इनमें जो है प्रतिमाएँ जो है वो उकेरी गई हैं जो कि कभी नहीं मिटेगी। और बहुत सारी जो प्रतिमाएँ हैं वो आर्टिफिशियल तरीके से जो पत्थर आता है उसमें जो है पत्थर को छोटा छोटा पत्थर को जोड़ जोड़ के भी बनाई गई हैं। तो कुछ इस तरह से ये जो पूरा धर्मपथ है अभी फिर से हम वापस चल रहे हैं और दूसरी तरफ से आप लोगों को दिखाते हुए चल रहे हैं कि किस तरह जो है ये पूरा धर्मपथ बना हुआ है। और वापस चल के फिर से जो है हम लता मंगेशकर चौक पर पहुँच जाएंगे और यहाँ पर जो रोड के चारों तरफ है बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रतिमाएँ बनी हुई हैं। जैसे कि अभी हम आए हुए थे तब ये जो है देखने के लिए व्यू यहाँ से मिल रहा था, ये जो है बना गया है यहाँ पर कुछ इसके ऊपर से, शायद जो है कभी इन फ्यूचर जो है हाईवे वगैरह या फिर और कुछ जो है वो गुजारा जाए। और शायद हाईवे ही है, दूसरी साइड पे जो है हाईवे है, जो भी मैंने आप लोगों को दिखाया था ओवरब्रिज जहाँ पे बाईपास बना हुआ था वही वाला शायद हाईवे है, उसकी वजह से जो है यहाँ पर बना दिया गया कि इन फ्यूचर अगर हमको हाईवे निकालना होगा तो इधर से निकाल देंगे। और यहाँ पर देख सकते हो बैनर वगैरह जो है वो लद कर जा रहे हैं गाड़ी में क्योंकि लगने होंगे। और रोड के चारों तरफ जो है यहाँ पर हनुमान गुफा पर कोसी परिक्रमा जो है लिखा हुआ है कुछ ऐसा, तो पंच कोसी होगा, तो ये कुछ बैनर लगा हुआ था, अभी निकल गया बैनर तो मैं देख नहीं पाया हूँ, लेकिन भीड़ भाई साहब अभी शायद जाने नहीं दे रहे हैं। बैरियर वगैरह लगा हुआ था जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी जब मैं गया था, तो देखते हैं क्या होता है। और इस रास्ते पे जो है सूर्य स्तंभ जो है बनाए गए हैं, पूरा रास्ता जो है ये अभी मैं जब आया था लता मंगेशकर चौक से और ये जो आगे बाईपास था और जो धर्मपथ है ये पूरा, और आगे जो है बहुत सारे जहाँ पे सूर्य स्तंभ बने हुए थे जहाँ से एंट्री गेट बना हुआ था मतलब इसका धर्मपथ का, तो यहाँ पर भी बैरियर लगे हुए थे तो वहाँ से तो आने दिया और यहाँ पर आगे फिर खड़ा कर दिया है। अब देखो क्यों खड़ा कर दिया है वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो पीछे से बैठ के जो है आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर अगर आप देखो बहुत सारे लोग जो है वो भगवा लेकर जो है वो गाड़ियों से अब घूम रहे हैं और बहुत सारे लोग जो है हाथ में लेकर जो है यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो ये लिखा हुआ है अयोध्या विकास प्राधिकरण शमशान घाट 1.5 किलोमीटर लेफ्ट साइड पे अगर आप जाते हो तो शमशान घाट है कुछ ऐसा लिखा हुआ है। बाकी ये पूरा धर्मपथ आप देखो ये बैरियर लगा हुआ था जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला, तो यहाँ पे देख सकते हो उन लोग गाड़ियों को जो है रोका जा रहा है और इसके बाद जो है पूछा जा रहा है कि भाई आप कहाँ जा रहे हो क्यों जा रहे हो, और आने का जो है अभी सिस्टम बड़ा गड़बड़ हो गया है कि देख सकते हो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी वैसे ऑटो वगैरह या फिर नहीं दिख रहा होगा। अब ये जो पीछे गाड़ी आ रही है ये किसी स्टाफ वगैरह की गाड़ी होगी या फिर कोई जो है सरकारी आदमी होगा उसकी गाड़ी होगी, उसकी सर्विस लगी होगी यहाँ पर, तो उसकी वजह से जो है इसको आने दे रहे हैं। नहीं तो आप देख सकते हो पूरा रोड जो है वो खाली हो चुका जैसे ही मैं जा रहा था, यानी कि आप जा सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, जाने पे आ नहीं सकते हो। अब ये देख सकते हो कि जो गाड़ी है सिर्फ अकेले आ रही है, इसके बाद जो है एक दो गाड़ी और जो है वो आ रही है जो कि शायद सरकारी गाड़ियां हैं इसकी वजह से इनको आने दिया गया है। बाकी आप देख सकते हो ये पूरा रोड जो है अभी फ़िलहाल खाली हो गया है। और सबसे बड़ी अपडेट यही है कि जो लोग अपने साधन से यहां पर आना चाहते हों 22 तारीख के पहले वो लोग नहीं आ पाएंगे अयोध्या के अंदर क्योंकि चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है, कोई भी गाड़ी अयोध्या के अंदर अब इंटर नहीं हो पाएगी। तो इस वीडियो में मैं धर्मपथ में जो है आप लोगों को दिखाने वाला था कि किस किस तरह से धर्मपथ बना हुआ है। फिलहाल अभी हम वापस से आ चुके हैं लता मंगेशकर चौक पे जहां पर धर्मपथ की शुरुआत होती है और जहां पे धर्मपथ की दूसरी तरफ से शुरुआत होती है वो भी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दिखा दिया है। तो अभी हम इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अभी हम बस स्टैंड की तरफ से होकर वापस से धर्मपथ के पास में आ गए हैं जहाँ पर ये सूर्य स्तंभ बने हुए हैं। और आप लोगों को मैंने इस वीडियो में कैसा क्या
इस रूट का नजारा है, कैसा ये रूट बना हुआ है दिखाने की कोशिश की है। बाकी आप लोगों को वीडियो देखकर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, साथ में कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दीजिएगा। आज ये वीडियो जो है श्री राम के नारों से भर जाना चाहिए। बाकी मैंने अपना जो है पूरा एफर्ट देने की कोशिश की है इस वीडियो को देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिए।